नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कल सरदार पटेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार बारिश हो रही है और इसमें बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में किस तरीके से बाढ़ का बचाव किया जा सके, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों को मीडिया के सामने साझा किया है। क्या कुछ कहा है, देखिए उनकी इस पूरी बात को वीडियो में। तो इसलिए इसमें जो है सारे हम लोगों का काम भी चला है और उसको निपटने के लिए राहत बचाव कार्य भी हमारा NDRF की दो टीम जो है, SDRF की एक टीम जो है पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में आपके एक टीम, सारण में एक टीम, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण सब में हैं। सारे लोग मिलकर काम किए हैं। हमारे जो नाव पहले से ही हम सुरक्षित कर रखे थे कि नाव का हम पैसा भी दे दिए थे, उनका मालिकाना जो होता है हम रोज के नाम पर तय भी कर लिए थे कि 3 महीना के लिए हमारे पास रहेगा, और उस तरह से हमारे 35 नाव भी चले हैं। हमारे बहुत जगह राहत शिविर भी चले हैं, जहाँ पे हमारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाया, वैसे 4-5 जगह में हमारे राहत शिविर चले हैं। तो इस तरह से सारी हमारी जो तैयारी है वो पूरी चल रही है, और इस राहत शिविर में हमारे 1900 लोग भोजन किए हुए हैं। चाहे पश्चिम चंपारण में जो है क्रमशः 2-1 सामुदायिक किचन का संचालन हुआ है, इस तरह से हमारे यहाँ सिदौलिया में 1-1 राहत शिविर चला है। और जब पानी कम हो गया, घर से लोग जब लौट गए, तो फिर राहत शिविर हमारा बंद हो गया और पानी अब नीचे आ रहा है, पानी नीचे चला गया है, जिससे हमारे लोग घर वापस लौट गए हैं। लेकिन आगामी जब भी आप देखे होंगे, आप कहते हैं कि दीदी पुनपुन का क्या स्थिति है, दीदी सोन नदी बढ़ रहा है, तो इस तरह की सारी स्थितियों से निपटने के लिए हम हर तरह से सक्षम हैं। चाहे हर जिले के हमारे जिला अधिकारी को आदेश है, हमारे जो ADM सब हैं जो देखते हैं बाढ़ राहत का, उनके पास सारी सूचियाँ हैं और उसमें वो राहत केंद्र चला सकते हैं। तो उस राहत केंद्र को चलाने के लिए चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे उनको नाव की आवश्यकता हो, चाहे हमारे कोई बच्चे वगैरह कहीं डूबे, ऐसा अगर होता है तो NDRF की टीम हमारी लगी हुई है। उसके अलावा हमारी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, नाव पर ही एक तरह से कहिए कि हॉस्पिटल ही चलता है, और हमारे NDRF के जो ये है टीम है उनको बचाव के लिए, पिछली बार आप देखे थे कि प्रसव भी कराना है तो बेचारे सब लेके आके और उनको सुरक्षित स्थान पर, हमारी सारी मेडिकल टीम, सारी मेडिकल व्यवस्था है, हमारी दवा है, हमारी सारे स्कोप किया हुआ है कि जिस जिले में जितनी दवा की आवश्यकता पड़ेगी वो दवा भी हमारे पास है, पशु चारा भी है, सबका हमने आवंटन कर चुके हैं और सब जगह लोग रेडी हैं। कहीं भी बाढ़ आएगा उसे निपटने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं और बिहार की सरकार तत्पर होकर काम करती है। पिछली बार भी आप देखे होंगे और हमेशा बाढ़ की तैयारी पहले से ही होती है, आपदा विभाग पहले से करके रखता है और हम मौसम के अनुसार में हम पहले भी अलर्ट कर देते हैं कि ये पानी आने वाला है, क्योंकि भारत सरकार का जो मौसम विभाग है जो पूरा अनुमान लगाता है, उस अनुमान से हम जो है पहले ही तैयार कर देते हैं। जैसे पिछली बार हुआ जो अतिवृष्टि, 3 दिन जो आप देखे होंगे जो झड़ आने, यास आने वाला था, यास का हमने अलॉट कर दिया था कि भैया ये चार दिन जो यास रहेगा, इसमें आपने जो भी अनाज पानी अलग, कोई बाहर ना निकले, बड़े बुजुर्ग बाहर ना जाए, क्योंकि जो बिजली जो तड़कती है, तड़का से भी बहुत सारे लोग का मृत्यु हुआ है, इस बार भी हुआ है, तो उनको तो हम 4 लाख रुपया देते ही हैं, लेकिन हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं जो गुना अनुमान है। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है 1070। आप जब भी फ़ोन कीजिएगा वो फ़ोन उठाएंगे और आपसे बात करेंगे आपको क्या असुविधा हो रही है। ये पूरे बिहार का एक ही नंबर है, जो आप जब कीजिएगा तो आपको सहायता पहुँचाएंगे। इसलिए इस तैयारी में हमारी कहीं भी बाढ़ की तैयारी में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।